अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर एक न्यू टॉपिक के साथ। कल से हम जो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, उसी तरह की एक और एक्सरसाइज आपको मिल रही है। पहले मुझे ये बताएं, कल आपने होमवर्क अपना कंप्लीट किया? क्या इवन और ऑड के दो क्वेश्चंस रिमेनिंग सॉल्व कर लिए थे? गुड, शाबाश, आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप अच्छा ही आगे जाएंगे। अब हम आज बुक के पेज नंबर 12 पे सॉल्व द सम्स सॉल्व करेंगे। सॉल्व द सम्स, हम सम करेंगे, प्लस करेंगे जो गिवन नंबर्स हैं और बताएंगे कि वो इवन हैं या ऑड हैं। सबसे पहले हमारे पास ए पॉइंट पे, नंबर वन पॉइंट पे हमारे पास क्या लिखा है? 4 + 6 इज इक्वल्स टू, बताना है 4 + 6 कितने होते हैं। 6 नंबर्स के बाद 4 नंबर ऐड करने हैं। हाउ मच इट विल बी? इट विल बी 10। ये कितने बन जाएंगे? 10। और 10 के बाद एक छोटी ब्लैंक दी हुई है जिसमें क्या लिखना है? ई और ओ। ई डिनोट करेगा इवन नंबर को और ओ डिनोट करेगा ऑड नंबर को। यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 नंबर जो है वो इवन नंबर है, इसलिए ई मेंशन है। अगर ये ऑड नंबर बन जाता तो यहाँ पे ओ मेंशन करना होता, ठीक है। तो इसी तरह से हम पॉइंट बी पे आ जाते हैं और बी में हमें क्या करना है? 5 + 3 करने हैं। 5, टेक आउट योर फिंगर्स, 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड प्लस 3। जब 5 + 3 होंगे तो बन जाएंगे 8। बॉक्स में क्या लिखना है? 8। और ब्लैंक में क्या लिखना है? ओ और ई। ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन। मुझे बताएं 8 नंबर ऑड है या इवन? शाबाश, सब ने जवाब दे दिया। गुड, मुझे लगता है सबको समझ आ रहा है। अब सबको क्लियर हो गया है इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। 8 इवन नंबर है। नंबर सी पॉइंट 3, 8 + 3, 8 नंबर्स में ऐड करने हैं, प्लस करने हैं 3 मोर। फिंगर्स तो ख़त्म हो गई, 2 और तीसरी क्या बनाएं? तो हम कैसे इसको प्लस कर सकते हैं? बाय मेकिंग लाइंस ऑन योर पेज, ऑन योर नोटबुक, ऑन योर कॉपीज, ऑन योर पेजेस, या फिर बुक के साइड पे स्मॉल से कॉलम से आप पेंसिल से लाइन लगा के काउंट कर सकते हैं। गुड, तो 8 + 3 कितने हो जाएंगे? 11। गुड, बॉक्स में लिखना है 11 और लाइन पे लिखना है इट विल बी इवन और ऑड। इवन हो जाएगा या ऑड हो जाएगा? 11 नंबर क्या होगा? यस, इट्स ऑड। द नेक्स्ट वन इज 9 + 4, 9 में 9 फिंगर्स एंड 4 एंड 4 लाइंस, मेक द लाइंस ऑन योर पेज, ऑन योर रफ पेज, ऑन योर रफ कॉलम, ऑन योर बुक, ठीक है। आफ्टर 9 के बाद 10, 11, 12, 13 नंबर हो जाएंगे। तो बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? 13। और लाइन में लिखेंगे कि ये इवन है या ऑड है। अब इवन और ऑड मैंने इतना समझाया है, सब इवन और ऑड खुद बताएंगे, ठीक है। 13 नंबर इज ऑड नंबर। गुड, क्लैप फॉर योर सेल्फ। देन 8 + 4, सबसे पहले 8 फिंगर्स को आउट करें और प्लस करें 4, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर हो गए हमारे पास। बॉक्स में क्या आएगा? 12। और बताना है ये इवन है या ऑड, ये आप लोगों को खुद बताना है। इवन और ऑड की प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी। 12 नंबर इज इवन नंबर। गुड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई। देन वी हैव 6 + 10, 10 + 6, 6 + 10। 10 फिंगर्स में
हमें 6 प्लस करनी है. इट विल बी 16. गुड. और 16 जब हम बॉक्स में मेंशन करेंगे, 10 प्लस 6, बॉक्स में हमने लिखा 16, तो आगे लाइन पे क्या लिखना है? इवन नंबर. यस, 16 इज इवन नंबर. 4 प्लस 5, फिंगर्स 4 एंड ऐड 5, प्लस हो जाएंगी, इट विल गिव्स यू 9. बुक में लिखना है 9 नंबर, बॉक्स में 9 मेंशन करेंगे. और लाइन पे इट विल बी इवन और ऑड. यस, इट्स ऑड. गुड गुड, कीप इट अप. देन 8 प्लस 7, 2 प्लस 12 एंड 4 प्लस 3. ये तीनों नंबर्स आपको खुद सम करने हैं और ख़ुद इवन और ऑड में से मेंशन करने हैं कि ये इवन बनेंगे कि ऑड बनेंगे. ये आप लोगों का होमवर्क है. और टीचर जब आपको कॉल करेंगी तो आपको उनको बताना है कि आपने इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट कितना कैसे समझ लिया है, और होमवर्क भी बताना है. ठीक है, फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. बाय.